हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि सबसे पहले नया चैनल कैसे बनाएं। अगर हमको यूट्यूब पे काम करना है तो सबसे पहले एक हमारा सबसे अच्छा एक चैनल होना चाहिए और उसमें हर सेटिंग ओके होना चाहिए। तो चैनल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने यूट्यूब को खोल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब खोल लिया हूँ। अब आपको ध्यान से इसमें देखना है। इसमें देखिए, मैं जहाँ ये यूरो क्लिक करूँगा, जहाँ जहाँ, वैसे आप लोग को भी करना है अपने फ़ोन में। देखिए मेरा, मैं कोने पे एक होता है प्रोफाइल का पिक, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए खाता बदले यहाँ लिखा है ना, इस पे क्लिक करें। अभी इसमें देखिए दिखा रहा है खाता जोड़ें, अभी इस पे क्लिक करना है। देखिए अभी यहाँ से अगर आपके पास अगर ईमेल आईडी पहले से है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना। अगर ईमेल आईडी नहीं, आप नया खाता नया आईडी से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नया खाता बनाए यहाँ पे क्लिक करना है। एकदम शुरू से बता रहा हूँ। अभी आपको देखना है मेरे बच्चे के लिए बनाए, यानी अपने लड़के के लिए बनाना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं, या दफ्तर या मेरे कारोबार के जुड़े, या आप किसी के मालिक हैं वो उस काम के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने लिए बनाऊंगा तो सबसे पहले ऊपर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक ना, देखिए दोस्तों अभी आ गया। इसमें अब नाम डालना है आपको। मैं अपना नाम डालता हूँ, धीरेन्द्र। ऊपर फर्स्ट नाम डालना है, नीचे लास्ट नाम डालना है, यानी जो कास्ट होगा वो नीचे डालना है। YADAVYADAV। अभी यहाँ से आगे पे क्लिक कर देना है। पूरा एकदम अच्छा से बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा वरना समझ नहीं आएगा। अभी आप यहाँ पे अपने जन्म तिथि भरना है, आप कितने इयर्स के हो, जो भी आपका डेट है वहाँ पे यूज करना है। यहाँ दिन यानी डे, मेरा 01 है, 01 माह। देखिए आपका जो जन्म तिथि होगा वो डालना है, मेरा जनवरी है और वर्ष मेरा 2004 है। इतना करके यहाँ देखना है आप मानो लड़का हैं, लड़की हैं, महिला पुरुष जो भी हो। मैं पुरुष हूँ तो पुरुष पे क्लिक कर देना है और यहाँ आगे पे क्लिक करना है। ईमेल पता डालना है इसमें, इसके बजाय एक ईमेल पता बनाए। अगर ईमेल है यहाँ पे तो डाल सकते हैं आप, अगर नहीं है तो नया ईमेल बनाए। मैं नया ईमेल से डालूँगा बना के। तो यहाँ पे देखिए मैं ईमेल बनाता हूँ, स्मार्ट बॉय 7800, smart boy 7800। यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको, तो मैं अपना पासवर्ड डाल ले रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड डालिएगा, नया बनाइएगा। तो मैं अपना पासवर्ड डाल ले रहा हूँ। थोड़ा सा इस पे वीडियो में रोक रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ। इस तरह दोनों में सेम पासवर्ड डालना है, ऊपर जो पासवर्ड डालेंगे वही नीचे डालना है, सेम डाल के फिर आगे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे एक आसान पासवर्ड डाला था जो गलत है। यहाँ पे पासवर्ड जो भी डालना है एकदम कठिन डालना है, जो सबको ना आया होता हो। मैं गणित में डाल दिया था इसे, इसलिए गलत बताया। तो एक बार और डालता हूँ, रुके रहिएगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अभी मैं एक हार्ड पासवर्ड डाला हूँ, देखता हूँ ये भी ओके होता है कि नहीं, फिर कोशिश करेंगे अगर नहीं होगा तो। फाइनली मेरा ये पासवर्ड उठा लिया। अभी हमको इसमें मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के वहाँ पे ऐसा सेम आगे लिखा रहा था, वहाँ पे आगे पे क्लिक किया हूँ, फिर ऐसा आएगा, ऐसा आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो डालना है 6129401।
9025 37। मेरा OTP है 9025 37। आप में भी ऐसा 6 अंक का आएगा और वो डाल देना है और आगे बढ़ने पे क्लिक कर देना है। खाता वापस पाने के लिए ईमेल का पता। यहाँ पे डालना है, यहाँ पे कोई नया ईमेल आप डाल सकते हैं, जैसे खाता कभी डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया तो आप एक ईमेल डाल सकते हैं। अगर आपका खाता लॉक हो जाता है, उसमें किसी तरह की असामान्य गतिविधि होती है, तो गूगल इसी ईमेल पता। तो मैं एक, मेरे पास एक ईमेल आईडी है, मैं वो डाल देता हूँ, dy055653@gmail.com। यहाँ पर क्लिक करके आगे डालें। अगर आपको नहीं डालना भी रहेगा तो भी आगे दबाएंगे तो हो जाएगा। अभी ये मेरा नंबर रहा, देखिए सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग को देख लेना है, चेक कर लेना है कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। अगर नंबर सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो ओके आगे पे दबा देना है। फिर अभी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी सब कुछ पढ़ लेना है अच्छा से और सब कुछ समझ बूझ लेना है, फिर मैं सहमत हूँ इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी मेरा ये चैनल बन के तैयार हो गया, देखिए अभी आपको चैनल दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये मेरा चैनल रहा। अभी यहाँ से एडिट हमको अभी करना है, तो इतना इस वीडियो में मैं डालता हूँ और एक दूसरा जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं फ़ोटो अपलोड करके प्लस YT स्टूडियो में ले चल के सेटिंग वोटिंग ओके करके दिखाऊँगा। तब तक इतना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके तुरंत बाद वो वाला वीडियो मिलेगा जिसमें फ़ोटो लगाना रहेगा, थंबनेल लगाना रहेगा या बैनर लगाना रहेगा, पीछे का हर एक चीज़ दूसरे वाले वीडियो में मिलेगा, प्लस YT स्टूडियो में कैसे सेटिंग करते हैं हर चीज़ मिलेगा वहाँ से। तो सो गाइज यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, दूसरा वीडियो का इंतज़ार करिएगा, तुरंत मिलेगा वो। तब तक इतना इसमें केवल देख लीजिए, नाम वही रहेगा, हैंडल में आप कुछ चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो यूट्यूब चैनल पे दिखाता है। तो मैं डालता हूँ मेरे को स्मार्ट धीरेंद्र जी, स्मार्ट डैश धीरेंद्र जी, स्मार्ट धीरेंद्र इतना मेरा रहेगा चैनल का नाम, यही मेन है, इसी से कोई सर्च मारेगा इसी से सब कुछ होगा। तो इतना हो जाए, याद भी रख लीजिए आप सबको, इसको सर्च मार के एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, देख लीजिए ध्यान से इसको एक बार सर्च मार के और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल बनाए पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे अपने पसंद का जो भी डालना होगा डाल के और चैनल बनाए पे क्लिक कर देंगे। आपका चैनल तैयार किया जा रहा है, कुछ देर बाद देखें, ऐसा आप में लिख के आएगा, तो कुछ टाइम बाद चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो भी उसमें सेटिंग करना है, किस कैटेगरी का वीडियो आपको बनाना है, क्या कैटेगरी डालना है उसमें, क्या हैशटैग लगेगा, सब कुछ अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए पे होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस चैनल को जो इसमें बनाया है इसको भी सर्च मार के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब का से लेके यूट्यूब रिलेटेड, ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स।